सभी से बार बार बस यही निवेदन, जिस प्रकार से भजन टिकड़ी का आनंद ले रहे हो उसी प्रकार से आनंद लेते रहे। कलाकार बंधु, बड़ी अच्छी अच्छी बातें आप लोगों के बीच में रख करके जा रहे हैं। एक कवि कह रहा है मोनू भैया, और कहा कैसे, एक भोड़ी सी सूरत राज करे, और ये एक मांगत भीख मलूक भिकारी, एक सोने की छत्र की छांव चले, एक धूप में काम करे बड़ भारी, चतुर नार बेतन कुतर से, और फूवरिया जन जन के हारी, और शेष तरे सुमेर तरे, बाबा या कर्म की रे तरे नाए। तो देखिए, इस इंसान को बार बार चेतावनी दे रहा है कवि, और कह रहा है गोपाल कैसे, अरे पंछी क्या कहा। और एक बार निवेदन जरूर करूंगी, देखो मेरे नंबर पे तो मैं बैठ जाए बिल्कुल, जैसे सिलेंडर फलेंडर बीत गो, निकाल फुर्ती बनाए रखो, जाते तुम में फुर्ती आती रही और हम में जोश बने हो रहे। हाँ तो एक बार जयकारा लगा दो, बोल के राज महाराज की। और भैया कहा, आतन को प्रयोग इतना ही कर रहे हैं कि ज्यादा किराया और लग नहीं जाए। चलो कोई बात ना, जितेंद्र भैया तुम ध्यान रखियो। अरे पंछी और पिंजरा में तू भजले सीता क्या, अरे पंछी पिंजरा में तू भजले सीता, राम बैठो मत रही हो ताख में, अरे पंछी पिंजरा में भजले सीता, भैया कहा, अरे पंछी अरे पंछी अरे पंछी पिंजरा में तू भजले सीता, राम बैठो मत रही हो ताख में, कौन राम ने, मोनू भैया
अच्छा नीम गाम के काजे जवई सो गए। अरे 51 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भैया एमपी जी दे रहे तुम काई निशारे में मो कहा राम ने भक्तन के प्रण पारे यहां से तर गए सब संत बिचारे मोनू भैया हो यहां से तर गए सब संत बिचारे और बैठो मत रहियो बंदे ताक में। अरे 51 रुपए का पुरस्कार अमर सिंह भैया के जीजा जी दे रहे हैं। देखो जैते तो कहते हैं अपन और परायो अमर सिंह को 100 सुनीता को 50। हाँ जब कहा ए गर्भ की ओ है वालंका धीश ने मेरे भैया क्या गर्भ की ओ है वालंका धीश ने और एरे जाके हम जाके एरे जाके 20 भुजाही 10 का हाँ सबरो ठेका हमनी धोई ले रखे हो मोनू भैया तेरे जाके हम जाके तेरे जाके 20 भुजाही 10। और ये 100 रुपए का पुरस्कार मोहन सिंह प्रधान जी दे रहे हैं। और 100 रुपए का पुरस्कार जग्गी टेंट वाले उनकी तरफ से आया बहुत बहुत धन्यवाद। अरे जाके हम जाके अरे जाके 20 भुजाही 10 शीश लंका बाकी मिल गई हाथ में। अरे पंछी पिंजरा में भजले क्या बात है भैया कैसे कह रही है सुनिएगा। कहा अबुले बादर फट गए आज सुनो महाराज कहे और कोई सिंधुराज ने ए सिंधुराज ने आए के हरी है क्या हरी रानी और वो दासी कह रही है मत ना करो मेरी बहिना मत ना करो मत ना करो मत ना करो मेरे
छुड़ाए के लानी है, लाओ परदी को फल दियो। और देखिए आप सभी के बीच में, क्योंकि इंसान अपने मन में घमंड लिए बैठा है, तो मोनू भैया कह रहा है कभी क्या तस्वीर आईने में अपनी, क्या तस्वीर आईने में अपनी खुद समी दिखाई नहीं देती। मोनू भैया और 150 रुपया का पुरस्कार हमारे अमर सिंह भैया के जीजाजी दे रहे हैं, एक बार ताली बजा दो। क्या तस्वीर आईने में अपनी खुद समी दिखाई नहीं देती, और पत्थर भी पिघलते हैं दिल में पर नमी दिखाई नहीं देती। और कहा जितेंद्र भैया तुम देख रहे हो, जो खुद को खुदा समझते हैं, जो खुद को खुदा समझते हैं खुद कमी दिखाई नहीं देती। और अगर बात अच्छी और सच्ची हो तो सभी से तालियों का आशीर्वाद। जो खुद को खुदा समझते हैं खुद कमी दिखाई नहीं देती, और जो आसमान पे उड़ते ही उन्हें जमीन दिखाई नहीं देती, जो आसमान पे उड़ते हैं। वो दासी कह रही है 51 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया जितेंद्र जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जल्दी करो करो मत देरी। वो दासी पांचों पांडवों से कह रही है जल्दी करो करो मत देरी, बात अबई जी ताजा है। द्रोप सुता को हर की ले गए हो जी सिंधु देश को, करनी को फल दो, करनी को फल दो, मदीना देर लगाओ और द्रौपदी की लाज बचाओ। आहा विद्वानों, जैसे ही पांचों पांडवों ने इतने वचनों को सुना, पांचों पांडव आज वहीं जा रहे हैं जहां की पापी जयद्रथ है। और मोनू भैया कैसे जा रहे हैं, कहा मोनू भैया, अरे अरे तुम बचन मान लियो साचो, और चले दिए ही पंडवा पांचो, और चले दिए ही अरे तुम बचन मान लियो साचो, और चल दिए पंडवा पांचों। अब देखिए ये जिकड़ी का चौक चल रहा है, अब के सब जने मिलके जिन्नी वोट दी। देखो मैं हाथ जोड़ के निवेदन है, इनकी लाज तुम्हारे हाथन में, इन नहीं इनमें, सुनिए ये चिकड़ी का चौक चल रहा है। और जा बात है तुम जाने, क्योंकि पतो ना हमारा तो जन्मों ना बात है, पहले भजन है रे यहाँ पर हमारे बड़े बूढ़े।
मोनू भैया वन में बिचरे जैसे हाथी और क्या मतलब का पुरस्कार किशोर प्रधान जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अन्यू बताओ पूरन प्रधान जी कुल से तुम्हें बड़े पान पान सौ के दे रहे जाओ दे तो हाँ जिन जिनके भैया हैं बड़े अच्छा एमपी के भैया हैं ला तो 500 को दे दो। देखो जिन्हें जिता दे 500 तो दो पहले जब ते बड़े 500 के दे रहे पूरन नेता जी एक बार ताली बजा दो 100 रुपया 100 ही दें हाँ ए अरे वन में बिचरे जैसे हाथी और भीमा की और भीमा की भवके छाती रे भीमा की भवके क्या बात है भैया आहा विद्वानों आज पांचों पांडव वहीं जा रहे हैं जहां की पापी जयद्रथ है। महावली विचार कर रहा है कह रहा है कि मीड़े हाथ पीस रहा उदाती क्या मीड़े हाथ पीस रहा उदाती बाप बापी गुनाह छोड़ो अरे जिन हाथन ते जेत भरी है उन हाथन को तोड़ो बोले धर्म सुनो मेरे भैया बोले धर्म सुनो मेरे भैया और रथ अपनो लौटाओ और द्रौपदी की लाज 51 रुपए का पुरस्कार हाँ हाँ अब के जय जीतेंगे हमन ने कह दे सुनिए आप पांचों पांडव जयद्रथ की सेना में जाकर के शामिल हो रहे मोनू भैया कैसे हो रहे सुनिएगा कहा क्या द्रौपदी
और गैया सी रही है डाकेरा। सुदामा जी से कह रहे कि महाराज आप कहते हो कि कृष्ण मेरे बचपन का सखा है, बचपन का मित्र है, तो आप उनसे मिलने के लिए क्यों नहीं जाते? तो देखिए सुदामा जी मना कर रहे हैं और सुशीला जी कह रही हैं, बोलो भैया कैसे? और श्याम से ए श्याम से मिलवे जाओ प्यारे बाला पति को, यार श्याम से मिलवे जाओ प्यारे आओ। देखिए सुशीला जी कह रहे हैं महाराज, अरे टूटी छानी उखड़ गई बल्ली। और फिर से 51 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया एमपी जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे टूटी छानी उखड़ गई बल्ली, फूस गिरे धरनी आवे, टूटी छानी उखड़ गई बल्ली। और फिर से हमारे जीजा जी 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कहा ए टूटी छानी उखड़ गई बल्ली और फूस गिरे धरनी आवे, ओए अरे टप टप बूंद गिरे ऊपर से, टप टप बूंद गिरे ऊपर से, कहो नींद कैसे आवे, टप टप बूंद गिरे ऊपर से। और कहा महाराज, अरे भूखे प्यासे बालक रोमे, मोनू भैया क्या कह रही है सुशीला जी, अरे भूखे प्यासे बालक रोमे, और एक दिल में नेक मन में करो विचार, श्याम से मिलवे जाओ प्यारे बाला अपन को, यार श्याम से मिलवे जाओ। जब इतनी बातों को सुदामा जी ने सुना तो सुदामा जी कह रहे क्या, तू ही बता प्राणन प्यारी में, क्या अरे तू ही बता प्राणन प्यारी में, और कैसे जाऊं मांगन को, क्या कह रहे हैं, अरे तू ही बता प्राणन प्यारी में, कैसे जाऊं मांगन को, ओए अरे पूछेगो मेरो मित्र कन्हैया, क्या कह रहे हैं, पूछेगो मेरो मित्र कन्हैया, कहा लायो मेरे खामन को, पूछेगो मेरो मित्र कन्हैया। और कहा खाली हाथ न जाऊं मित्र घरे,
सुन प्राणन हो सुन प्राणन प्यारी नार श्याम से हो श्याम से मिलवे जाओ तेरे बाला अपन को यार श्याम से मिलवे जाओ तो सुशीला जी कह रहे हैं महाराज आप कह रहे हो कि मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा पर देखिए अरे चले जाओ प्रीतम प्यारे वहां क्या कह रही है अरे चले जाओ प्रीतम प्यारे वहां और मिल जाए कछु सहारो है क्यों क्योंकि नाई जरूरत कहवे की क्या कह रही है अरे नाई जरूरत कहवे की सब जाने को बंसी बारो है नाई जरूरत कहवे की सब और सब जग को वो पालन हारो एक कड़ी और रह गई है भाई और बोल दो अरे सब जग को वो पालन हारो त्यारे भरे हाँ त्यारे भर दे गो भंडार श्याम से मिलवे जाओ त्यारे बाला अपन को यार श्याम से जब अपनी पत्नी की इतनी बातों को सुदामा जी ने सुना तो सुदामा जी करने क्या लगे मोनू भैया अरे इतनी सुन के विप्र सुधामा ने ए इतनी सुन के विप्र सुधामा ने मन में खुशी मनाई है क्या अरे इतनी सुन के विप्र सुधामा ने मन में खुशी मनाई है ओए अरे लेकी लथी आए थाड़ो है गयो जाने हर से लगन लगाई है लेकी लथी आए थाड़ो है गयो और कहा अरे तेज उदय भयो मस्तिक जाके भैया और ₹51 का पुरस्कार रम्मो प्रधान जी उनकी तरफ से आया बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी ये कहा अरे तेज उदय भयो मस्तिक जाके लए लोटा हो लए लोटा डोर संहार श्याम से मिलवे जाओ प्यारे बाला अपन को यार राम राम सब बहुत अच्छे